एलेक्स पॉल ने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है और मैं उसको पढ़ना चाहूंगा तो उनके साथ। इफ जीसस वॉज लिविंग टूडे, इंडीड ही इज लिविंग टूडे। एलेक्स पॉल शायद ये कहने की कोशिश किया, अगर यीशु फिजिकली आज पृथ्वी में होते जैसे उस टाइम पे होते, he would drive out all these prosperity preachers and business dealers out of the church with a stick. Yes, Yeshu Masih agar aaj sharirik roop pe yahan par us samane mein jaise the waise hote to chabuk ko lekar unko maar ke bhagate aur kehte ki mere pita ke bhavan ko daakuon ka adda mat banao. 24, 25, 26, 27, 28. लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। जानवरों को खा रहा है, रोको से, रोको से। आज प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स ने हमारे पिता के घर को डाकुओं का अड्डा बनाया है, और जब यीशु मसीह ने चाबू घुटाया, टेबल को पलटा, यीशु मसीह को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ नहीं किया। और आज क्या हम ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के खिलाफ जब बात करेंगे तो क्या लोग हमें तालियां बजाएंगे, सिर्फ गालियां ही देंगे? और आपने हमारे फेसबुक पेज के स्नैपशॉट्स में आपने देखा होगा, पर्सनल मैसेजेस, थ्रेड्स, धमकियां, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।